बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये मेरा बहुत ही एक बिज़ी डे था जो आपके साथ कर रही हूँ शेयर। बिज़ी डे इसलिए था क्योंकि एक दिन मैंने जो है वो जहांगीर से कहा कि प्लीज़ ऑफिस से कर लें छुट्टी, ताकि मैं अपने जो पेंडिंग के काम है वो कर सकूँ कंप्लीट। क्योंकि वैसे आम दिनों में जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और जब टाइम मिलता है तो फिर जो है वो शॉपिंग सेंटर वगैरह जो है, वो मार्केटें जो है बंद हो जाती हैं, और संडे के दिन जो है अमूमन जो है वो हर मार्केट जो है वो ओपन नहीं होती है। तो उस दिन जो है वो मैंने जो है जहांगीर से कह के जो है वो छुट्टी करवाई, और फिर अपने सारे जो है वो तकरीबन पेंडिंग काम भी मैंने कंप्लीट किए। तो यहाँ पर मैं जो है वो भाद्राबाद की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मुझे ताई रोड पे कुछ काम था और कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। और आप यहाँ पर मौसम देख सकते हैं कि जो है वो बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है। अच्छा, इस दफ़ा जो है ना मानसून कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है और रहमत के बजाय जो है वो ज़हमत बन चुका है। ख़ास तौर पर जो है वो बलूचिस्तान और जो है वो सिंध में जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो मचाई हुई है, और बहुत अफसोस होता है ये हालात देखकर कि बारिश जब रहमत की जगह जो है वो ज़हमत बन जाती है। और ऐसे वक्त में जो है वो हमें अपने उन बहन भाइयों की भी मदद करनी चाहिए जो बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं, जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं, जिनके मवेशी, जिनकी फसलें सब तबाह हो चुकी हैं। तो हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट को जो है वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। बेशक ये हमारी गवर्नमेंट का ही फ़र्ज़ है कि उसको आवाम का ख्याल रखना है, लेकिन उसके साथ जो है कुछ हमारी भी जो है वो समाजी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसे हमें पूरा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप्स लगे हुए हैं, तो अगर जो है मुखिर हज़रात जो है वो अपनी जितनी भी उनके उस्ताद है तो उस हिसाब से जो है वो वहाँ पर डोनेशन दे सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए ना कराची की, तो कराची के भी जो है हालात कुछ ज़्यादा जो है वो अच्छे नहीं हैं। हालात से मुराद कि यहाँ पर भी हर रोड जो है टूट फूट का है शिकार, और बहुत ही गहरी जो है मुरम्मत की ज़रूरत है। और मुरम्मत जो है वो रोडों के साथ जो है वो उन लोगों के लिए भी जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुकी है जो हमारे जो है शहर को लावारिस छोड़ा हुआ है। मगर मसला वही है ना कि जब गवर्नमेंट ही जो है वो इस काबिल नहीं होगी तो फिर जो है हम दूसरों को क्या बोलें। लेकिन हम जो है वो अच्छी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि हमारा भी एक न एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर आप नेशनल स्टेडियम भी देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, जो कराची का नेशनल स्टेडियम है। तो अब यहाँ से जो है वो रवाना हो रही हूँ मैं ग्रॉसरी करने, क्योंकि अब जहांगीर की अगर मैंने जो है वो छुट्टी करवाई थी तो मुझे तो अपने जो है वो सारे काम आज ही करने, तो मैंने कहा क्यों ना जो है वो आज ही ग्रॉसरी भी कर लेते हैं। क्योंकि जो है ना सामान बिल्कुल जब एंड हो जाता है और एक एक करके जो है वो आपकी चीज़ें जो है ख़त्म हो रही होती हैं घर की, तो हो जाती है और टेंशन, तो आपका सारा बजट भी आउट हो जाता है और जो है वो मज़ा भी नहीं आ रहा होता है। तो मैं जो है अब जा रही हूँ इम्तियाज़ की तरफ, क्योंकि वहाँ पर मुझे जो है वो सारी जो है वो ग्रॉसरी जो है वो मिल जाती है। अच्छा, मैं साथ में ना ये भी दुआ कर रही थी कि भाई बारिश ना हो आज, वरना जो है वो आधे घंटे का जो सफ़र है वो ना 3 घंटे में होगा, तो ये बहुत ही एक जो है वो टेंशन की जो है बात हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक जैम, ये जैम, वो जैम, तो बहुत ही दिमाग ख़राब हो जाता है। और वैसे भी महंगाई का जो आलम हुआ पड़ा है ना, तो आप लोग तो बस समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को तो बात पता भी होगी कि कितनी महंगाई हो चुकी है। यानी जब मैंने लास्ट टाइम ग्रॉसरी की थी तो उससे जो है 30 से 40% तक जो है वो यहाँ पर जो है वो महंगाई बढ़ चुकी है। आप इस बात से मेरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ग्रॉसरी जो है वो अमूमन मैं वही करती हूँ जो हर घर में जो है ग्रॉसरी होती है, कोई स्पेशली कोई अलग से कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं दिन में गई थी और रात को बाहर निकली हूँ, और सारी चीज़ें मैं ले चुकी हूँ, लेकिन जो है वो बस वही है, महंगाई जो है वो बहुत हो चुकी है भाई, बस अल्लाह ताला खैर करे। मैं तो ये सोचती हूँ जिनकी कम इनकम है या कमाने वाला एक है, खाने वाले 5 या 10 हैं, तो बेचारे किस तरह जो है वो अपने घर का गुजारा करते होंगे, कि खाली खाना पीना ही नहीं होता है, और भी ज़रूरत की दूसरी भी आपकी ज़रूरत होती हैं, आपके मेंटेनेंस होते हैं, आपके घर के यूटिलिटी बिल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो काउंट होती हैं। तो ये आप ग्रॉसरी दे सकते हैं, तो ये मैं आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ कि ये हर घर की ज़रूरत है, लेकिन जो है अब सोचना पड़ता है अगर कुछ लेने जाओ तो फिर कि ये अगर ज़रूरी नहीं है तो आप इसको जो है वो इसमें से स्किप कर दो या ये कर दो। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑफ़र में लगी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको पहले अवेल करूँ कि जिसमें जो है वो आपका फ़ायदा हो। तो आप लोग भी यही कोशिश किया करें, क्योंकि इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने ना आवाम की वाकई में चीखें निकाल दी हैं। अपनी चीखें निकालनी चाहिए लेकिन आवाम की ही निकाल दी हैं। तो बस अल्लाह ताला खैर करे और हम सब पे अपना करम जो है वो कायम रखे।
मैं तो यही दुआ करती हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ जब तक पूरी ग्रॉसरी ना सेट नहीं कर लूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। इस तरह मैं ना पहले ग्रॉसरी सारी जो है वो रखती हूँ, फिर मुझे जहाँ जहाँ इसको कैबिनेट में फ्रिज में रखना होता है तो मैं वहाँ इसको रखती हूँ। तो मेरा घर में जब भी मैं ग्रॉसरी लाती हूँ तो सबसे पहला काम यही होता है कि इसको इसकी जगह पर ही रख दूँ। और सुबह से मैं निकली हुई थी और रात बहुत हो गई थी और खाना कुछ घर में बनाया हुआ नहीं था, तो जहांगीर ने कहा कि तुम जो है वो कुछ बच्चों के लिए बाहर से ही ऑर्डर कर दो। तो मैंने जो है फिर बच्चों के लिए जो है ऑर्डर कर दिया था। मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, वो जो चाट और गोलगप्पे खाए हुए थे तो वही मेरा जो है वो डिनर भी हो गया था लंच के साथ साथ। तो जो नए आने वाले उन्होंने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट तो आप लोग बहुत अच्छे करते हैं माशाल्लाह से। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। तो अपना आप लोग ने रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मेरी फैमिली को रखना है दुआओं में शामिल, और बस इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर ना मंजूर। अल्लाह हाफिज़।